मुझे यकीन है मैंने उसे इसी तरफ आते हुए देखा। कहाँ गया वो? हाँ कुछ नहीं है, चलो देखते रहते हैं। आखिर मुझे उन बालों से छुटकारा मिल ही गया। काम करने का वक्त शुरू। सुनो, ये तो लखा है वहाँ पे। अब इस वक्त कौन फोन कर रहा है मुझे, चलो देखते हैं। छोड़ दो मुझे, अरे क्या कर रहा हूँ, अरे नीचे उतारो। क्या कर रहे हो, छेड़ काट रहे हो? तुम्हारी कीमती यारी के बारे में मेरा ये ख्याल है, हमें तुम्हें कितनी बार सिखाना पड़ेगा कि पेड़ मत काटो। हालांकि मुझे जितनी बार तुम पेड़ काटोगे उतनी बार तुम्हारी यारी फोड़ दूंगा। अरे ना बाबू, वो मेरा काम है। तो क्या कौन फोन करता रहता है? हेलो लक्का, ऐसा क्यों लग रहा है तुम पेड़ काटने की वजह भाग रहे हो? अरे कुछ नहीं, मुझे एक बहुत अच्छा पेड़ दिखाई दिया तो उसे काटने के लिए दौड़ पड़ा। सेठ जी, मेरे प्रमोशन का कुछ हुआ क्या? आपने कुछ सोचा क्या? मैंने तुम्हें इसलिए फोन करा है कि मैं तुम्हारी पगार बढ़ाने वाला हूँ। क्या तुम सुन रहे हो? क्या बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। देखो वो खुश क्यों हो रहा है? नहीं पता, वो बहुत अजीब है। चलो चले। बस एक चीज, तुम्हारी पगार बढ़ाने से पहले तुम्हें एक मेडिकल टेस्ट लेना होगा। मेडिकल टेस्ट? मैं तुम्हें एक औजार भेज रहा हूँ, बेहतर होगा तुम टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। क्या सच में? औजार का खर्चा तुम्हारी अगली पगार से काट लिया जाएगा। अरे क्या, एक सेकंड, आप ऐसा शायद ये कर सकता है, ये एकदम खड़ूस है। वो घर जा रहा है, डिनर का वक्त हो गया भाई, चलो। हम नहीं जानते उसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, तो चलो पता करते हैं। ठीक है। ये मेडिकल टेस्ट का इक्विपमेंट है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पूरे महीने की तनख्वाह इसमें लगा दी। बेहतर होगा कि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं। आउच, अब क्या? अरे इसके साथ क्या गड़बड़ है? लखा। हाँ सेठ जी, वो आ गई मशीन, मैं बस अपना मेडिकल टेस्ट स्टार्ट करने वाला था। शाबाश, अब तुम्हें ये करना है कि तुम्हें उस लोहे के टप पर सारे पोस्ट से गुजरते हुए वहाँ पर पहुँचना है, वो भी एक मिनट में। ये क्या? ये तो नहीं हो पाएगा, मेरा मतलब है ये तो किसी से भी। तुम्हें पगार बढ़वानी है या नहीं? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहाने नहीं बल्कि इस समय भाग रहा होता और वो ये कर लेता मैं। हाँ समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं अभी से जुट जाता हूँ। ठीक है सेठ जी, ओके। अरे वाह, वो कितना अजीब दिखने वाला जंगल है भाई, क्या कहते हो भाई? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अजीब है। तो क्या ये लखा का नया हथियार है भाई? हे, मिल गया, मुझे अब याद आया, इसे तो इंसान एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे नहीं, मुझे लगता है लखा ताकतवर बन जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हे, भाई कोई बात नहीं, मुझे तो लगता नहीं वो कर सकता है। बस बहुत हो गया, अब मैं इसको करके रहूंगा, मेरी पगार बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खतरनाक औजारों के साथ खेलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है बच्चों। क्या कहा था मैंने तुमसे, अगर कुछ टूटेगा तो वो उसका पिछवाड़ा होगा। हे भाई, मुझे सब सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है उसके बम पे लाते पड़ रही हैं। ये क्या हो रहा है? ए
ये तो एकदम ही बकवास था। अरे या अब ये क्या था मामा? मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं तुम्हें हराऊंगा। मेरे पास में बिल्ली जैसी तेजी और बिल्ली जैसी नजरें हैं, तुम मेरे रास्ते में कुछ भी नहीं। अगर लखे की पगार बढ़ गई तो वो जंगल को तहस नहस कर देगा भाई। तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए, हम उसे पैसे कमाने नहीं दे सकते। ये मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया। उठो दब लो, देखो शायद है। अरे वाह, लंच का टाइम हो गया, शायद कहाँ है? हमारी थोड़ी हवा टाइट हो गई है भाई। क्या हुआ? वो देखो, उसने कर दिखाया। अरे वाह, बस अब मुझे इसे एक मिनट में खत्म करना है। ओ ला 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 ला, ओ ए आ ला 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 ला, डो 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 ला 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 ला। पता नहीं भाई, पर हम उसे और पैसे नहीं कमाने दे सकते। क्या एक सेकंड ऊपर हो गया? फिर से शुरू करना पड़ेगा। चलो उसकी मेहनत बिगाड़ दे। हम उसे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दे सकते। बस यहाँ पे थोड़ा फेविकॉल लगाएंगे, सब लोग चलो चले। अब ये तो कमाल होने वाला है। ठीक है, चलो करते हैं। अब वक्त है मेरा पुराने कार्ड तोड़ने का। ये यहाँ पर फेविकॉल किसने डाल दिया? अब आ निकल जा। कितना बंदू है वो। हटो, हटो, कुछ पैसा है। अरे हट जाओ, लोहे के सड़े हुए टकड़े, हटने को नहीं। नामुमकिन, क्या तुमने ऐसे हरकत करी? सही पकड़े हैं, हमने तुम्हें पकड़ लिया, अब अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ो। बस एक बार मैं इसके अंदर से निकल जाऊँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या हूँ। भागो, छोड़ूंगा ना, कहाँ भाग रहे हो? चलो चलो, अलग हो जाए। इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? पहले ही सब मारूंगा। पहले ये गया, अरे गया तू। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अब क्या हो रहा है? अरे मत कर। कौन मुझे उन भालुओं से सख्त नफरत है।
अरे मेरा कंधा। अरे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? रखा के बच्चे मैं हर जगह देखूंगा, समझे तुम? ठीक है। गन्ने भालू सच में मुझे भारी पड़ते हैं। भालू नहीं सांड है वो। हेलो, अरे तो गंदे कॉकरोच कहीं का? अरे तो आप है सर, वो मुझे माफ करना, मैं टीवी देख रहा था। और तू पेड़ काटने की बजाय टीवी क्यों देख रहा है? तू फिर से पीछे है काम में, समझा? टकले गधे। क्या मुझे थोड़ा और समय मिल सकता है? क्या तू मजाक कर रहा है? लेकिन सर वो भालू है जो मुझे काम करने नहीं देते, और हर सुबह मैं जब जंगल जाता हूँ तो वो मेरा इंतजार करते हैं। सुन सुन के पक गया हूँ, उन भालुओं के बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे तो रात में लकड़ियाँ काट, पर मुझे मेरा काम पूरा चाहिए, वरना तू गया साथ में नौकरी भी गई, समझे कि नहीं तुम? हेलो हेलो सर, तो रात में तुमने गौर किया? हमने कई दिनों से लक्का को नहीं देखा। मुझे पक्का पता है, उसने अपना सबक सीख लिया है, और ये सही भी है। और देखो इस वजह से जंगल कितना सुंदर लग रहा है, हवा भी एकदम नई नई लग रही है, आसमान भी एकदम नीला दिखता है, शायद और भी मीठा लगता है। मुझे पता होना चाहिए कि वो भाई क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? पर लक्का ने, ये उसी का काम है? ऐसा लगता है कि वो अपने आप को काफी व्यस्त लगता है भाई। अजीब है ना, उसको ये सब करने का वक्त कब मिलता है? हाँ भाई, अब जान से सुन, कैसे हुआ उससे अब क्या फर्क पड़ता है? हम यही इंतजार करते हैं और आज देखते हैं, समझ गए भाई? अच्छा है, अच्छी तरकीब है। क्या तुम मेरे बात से सहमत हो? मुझे बहुत भूख लग गया है। शायद उसने आज छुट्टी रखी होगी, चल कल फिर देखेंगे छोटे। ठीक है, हम खाने में क्या खाने वाले हैं? फलों का सलाद कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। रात को काम करना एकदम सही फैसला था। ये तो लक्खा है। बबलू, डबलू, एक बहुत ही आपातकालीन स्थिति है। उठो बबलू। तुम क्या कर रहे हो चिंटू रात को? हाँ बोलो। वो ये भी कर रहा है, ये तो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है भाई। लक्खा को कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है डब्लू। रुको, अब मुझे पता चला कि हमने लक्खा को इतने समय से क्यों नहीं देखा। वो हर रोज रात को पेड़ काटता है अंधेरे में, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। ये काफी काम की बात है भाई। ऐसा लगता है कि एक और सबक सिखाने का समय आ गया है। ये अध्यापक की तरह है। मुझे उसकी हरी की आवाज आ रही है। ये तो वो भालू है, उनको पक्का मेरे रात में पेड़ काटने के बारे में पता चल गया। यहाँ बहुत ही अंधेरा है तो मैं पक्का उनसे छुप सकता हूँ। ये अच्छा समय है बदला लेने का। मुझे उसकी सुगंध आ रही है। तुम उसकी चीजों को क्यों सुगंध दे रहे हो भाई? भाई और भी अंधेरा होता जा रहा है। ध्यान से, अंधेरा है, ढूंढना मुश्किल है। मैं तुमसे सहमत हूँ। मैं भी। कौन है वहाँ? डब्लू, तुमने मुझे मारा। क्या
नहीं, ये देखो मेरे पीछे, मुझे तो लगता है कि तुमने मुझे मारा भाई। हाँ बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? क्या मैं डब्लू, एक बात हमेशा याद रखना, तुम हर चीज के लिए इल्जाम मुझ पे नहीं लगा सकते, समझे? तुमने मुझे मारा भाई। बढ़िया, बाहर जोर से मारो उसको, बाहर जोर से मारो उसको। लड़का का बच्चा। अरे नहीं, उन लोगों ने मुझे देख लिया। लड़का बच्चा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये। छोटे, क्या तुम्हें वो मिला? मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है फिर। क्या मजा आ रहा है। डब्लू, तुम देखो, क्या वो लखा था? हाँ जी हाँ, वो लखा ही था। हमें कुछ करना पड़ेगा, सुनो मेरी बात, सुनो ना। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ? तुमको पता है ना, भालुओं को रात को अच्छे से दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हें तो खड़ा भी नहीं देख पा रहा हूँ, उसको कैसे ढूंढूं? जब तक वो छुपा रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो सच है, पर भाई कुछ तो सोचो, अगर उसने आज रात को ही जंगल के सारे पेड़ काट दिए तो हम क्या करेंगे? मेरे पास एक तरीका है। हेलो लखा, आज महीने का आखिरी दिन है। कैसे हैं सर? आपकी लकड़ियाँ एकदम तैयार हैं। मैंने जब से रात को पेड़ काटना शुरू किया है, तब से उन दोनों भालुओं की भी कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों शहर में क्या बोल रहा था वो, हाँ मैं सोच रहा था। ठीक है सर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपकी लकड़ियाँ आज रात को ही भिजवा दूंगा। बाय बाय। कौन है वह? हेलो, शायद कोई कीड़ा होगा। हाँ देखो, मैं सही था। ये ले, ये ले, ये भी ले ले। मेरा खाना किसने चुरा लिया? कमाल का पेड़ है। मुझे पता था तुम दोनों वापस आओगे। और पिटाई चाहिए? दिमाग से ढीले हो क्या? पिछली धुलाई के बाद लगा था कि तुम वापस आओगे ही नहीं। ओ, फिर से नहीं हो सकता। निशाना नहीं लगा। उसको लग रहा है कि वो छुप सकता है। वो कहाँ छुप रहा है? वो रहा वहाँ। भाई कटोरी का काम कर रहा है। तुम कहाँ हो लक्का? लक्का तुम कहाँ हो? ये तो डब्लू है, अब मजा आएगा। वो कितना अच्छे से छुपता है। मुझे लगता है वो यहाँ नहीं है, मुझे कहीं और ढूंढना चाहिए। अरे फिर से अगर शायद कभी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है हमें सबको छोड़ देना चाहिए। अरे मर गया मैं, लगता है मेरा पैर टूट गया, यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो तो एकदम डिस्को की बॉल के जैसा लगता है वहां ऊपर। आ जाओ, तुमको बहुत पछतावा होगा दुनिया के सबसे अच्छे लकड़हारा से पंगा लेके। वाह, इस मशरूम को तो देखो, डब्लू को बहुत पसंद आएगी। इस बार मैं तुम्हें पीछे से पकड़ लूंगा, कदे कहेंगे। आह!
ये तरकीब उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। भूल जाता हूँ इसे। मैं अब अपना काम पहले की तरह कभी भी खत्म नहीं कर पाऊंगा। जंगल अब सुरक्षित है। गंदे भालुओं यहाँ वापस आओ। रुक जाओ। मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है गंदे भालुओं। करीबी मामला आओ। अरे यार ये तो बहुत चुभ रहा है। अब इससे बुरा क्या हो सकता है। एक सेकेंड, चलो जरा देखे पंडित जी क्या कह रहे हैं। अरे ये तो सही था। अरे बेटा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मानना पड़ेगा, मैंने ऐसी छड़ी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। क्या सच में? अरे मुझे पता था, फाइनली चीज अच्छी हो रही है। अब तो मेरा लॉटरी का टिकट लग गया। ये कोई किस्मत बदलने वाली बात नहीं, दरअसल मैंने इससे ज्यादा बुरी लॉटरी कभी नहीं देखी। अगले 3 दिनों में बहुत सारी बुरी चीजें होंगी, पर मुश्किल से बचने का बस एक ही रास्ता है। अच्छे काम करो और अच्छे काम करो, जिससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। अच्छे काम करने से श्राप हट जाएगा? अब ये क्या बकवास है यार। मुझे पता है हल क्या है। पेड़ काटो। लगता है पंडित सही कह रहा था। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अच्छा आदमी बनना होगा। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। देखो जरा मेरे चेहरे पर, इतना मासूम, इतनी मासूम आँखें हैं कि नहीं। अब मैं ये अच्छे बनने का नाटक कैसे शुरू करूँ? करना तो होगा। देखते हैं। मैं जानवरों को सड़क पार कराऊंगा। आ जाओ। और बीमारों की मदद भी करूंगा। ये बहुत बढ़िया प्लान है, मैं तो खुद से इंप्रेस हो गया यार। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। जो सेब मुझे मिला है उससे तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा। भाई साहब, आपको देख के चलना चाहिए था। डरो मत बच्चे, आराम से, हम दोस्त हैं। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। चलो रास्ता पार करो। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा हाथ फिसल गया। ध्यान से सुनो बच्चे, बाहर की दुनिया बहुत खराब है। जब भी घर से निकलो तो दिमाग में रखो, पहले लेफ्ट देखो, फिर बाएं देखो, उसके बाद देखो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और फिर ध्यान से सड़क पार करो। बेचारा जानवर, शायद एक दिन ट्रैफिक के रूल समझ ही जाए। मुझे केले बहुत पसंद है। एक नंबर, आज मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ। अब देखता हूँ अगला छोटा जानवर कौन सा होगा। अब इस बंदर को क्या हो गया? कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। तुम्हारी मदद के लिए आया है, नाइस गाय। बेवकूफ बंदर। हेलो बच्चे, क्या तुम ठीक हो? ओ, अरे सुनो। हे लखा, मुझ पे अभी अभी हंसा, ये जंगल तो बवाल है बाबा। मुझे हमेशा चोट लगती है, क्या ये कभी खत्म होगा? आज तो मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए, उम्मीद है वो श्राप मुझ पे से हट जाएगा। सबसे अच्छा यही होगा कि मैं सेफ खेलता रहूं। मैं कब से इस सफर की तैयारी कर रहा था और अब ये सच में हो रहा है। मैं कितना खुश हूँ। चलो ये मैं देखता हूँ। एक और जानवर को मदद की जरूरत, चलो इस बच्चे की मदद करते हैं। हेलो छोटे बच्चे,
क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? बताओ बच्चे। नन्हे गिलहरी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम गुम हो गई हो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सच में। तो तुम्हारा घर इस तरफ है, चलो। हे, हम घर जा रहे हैं। यार इस तरफ नहीं। ओ हाँ, इस तरफ। नहीं 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 नहीं। मुझे जाना है, मुझे जाना। देखता हूँ। मैप के हिसाब से तो इस तरफ होना चाहिए। हे, मुझे पता है, जरूर इस तरफ होगा, ठीक है? कहाँ चली गई आखिर? आज के बच्चों में जरा तमीज नहीं होती, थोड़ा सिखाना पड़ेगा गुड बाय कहना। ये क्या हो रहा है? यस लक्के के कर्तव्य था, उसने मुझे चलती गाड़ी के आगे धक्का दे दिया। क्या कहा? उसने केले फेंके, उसने मेरा सर पेड़ में फोड़ दिया। मुझे विश्वास था कि वो बहुत बुरा है, लेकिन आज तो उसने आधी पार कर दी। पानी सर के ऊपर चला गया। चलो लक्के की ऐसी तैसी करे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चलो बस मेरे पीछे आओ। भाई रुको, जरा इस खूबसूरती को तो देखो, मेरे पेट में भूख के मारे आवाज आ रही है। लक्खा से लड़ने से पहले क्यों ना पेट पूजा हो जाए। सारा का सारा मेरा शायद। भाई दब लो, मुझे इसके गले में पट्टा बांध के रखना होगा। छोड़ो भी। बचाओ। दुनिया में कुछ ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकता। मन में है विश्वास, खुद पे है विश्वास। अच्छे काम करो, श्राप को दूर रखो। आज करो, अभी करो, करते रहो। डिक चक। मैं बहुत अच्छा आदमी बन गया हूँ, तुमको क्या लगता है बताओ? देख के कौन है बा? तुम हो? तुम्हें क्या चाहिए? ए, मैंने तो कोई पेड़ भी नहीं काटा और मेरे पास में कोई हथियार भी नहीं है। ये किस लिए? ये मुझे सब तस्वीरें क्यों दिखा रहा है? अरे हाँ पता चला, तुम ये पूछने आया हो। अरे सुनो, ऐसा हुआ, मैंने उन्हें मारा नहीं है, मैं तो उनकी मदद करना चाह रहा था क्योंकि मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ। नौटंकी बंद करो, तुम अच्छे से जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वैसे तुम्हें भी अगर कुछ चाहिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना दोस्त समझो क्योंकि अब मैं अच्छा इंसान बन चुका हूँ। मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं तेरा तेल निकाल दूंगा लक्के का बच्चे। जरा मुझे देखने दो। हाँ इसका डंडा तो ढीला है, ये खतरनाक हो सकता है। तुम फिकर मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ओए लक्के, ये तेरी आखिरी चेतावनी थी। ये ठीक हो गया? ओ एक मिनट। अरे मेरे दोस्त, इस पे कितनी जंग लगी हुई है, देखो तो। लाओ इसे भी ठीक कर देता हूँ। ये देखो हो गया। और भी कुछ काम हो तो फोन कर लेना भाई। वो पंडित बिल्कुल सही कह रहा था, एकदम सही। अब मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी और ना ही मेरा काम खराब होगा। मेरी हालत खराब हो गई है, वो मधुमक्खियाँ तो मुझे मार ही देती, पर उस मधुमक्खी के घोंसले का साइज तो देखो, इसके लिए तो मार खाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अब बस तुम और मैं रहेंगे मेरे नन्हे शहद के घोंसले। इससे पहले कि कोई इसे चुरा ले, मैं इसे छुपा देता हूँ। मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, जानता हूँ। ठीक है फिर, मैं इस दुनिया का सबसे किस्मत वाला भालू बनने वाला हूँ। मुझे शायद से बहुत प्यार है। अरे यार, ये जंगल के इस तरफ क्या कर रहा है? हेलो हेलो, ओ आखिर वो इस तरफ क्या करने आया है? चलो देखूं भालू। रुको, क्या वो नालायक चोर कहीं मेरे शहद के घोंसले को हाथ लगाएगा? मुझे उसे देख लेना चाहिए। वैसे आज तुम्हारा बहुत अच्छा दिन है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें ये वापस करूंगा तब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शहद को चुराने की? अरे नहीं, मैंने नहीं किया। लाओ मुझे दो। रुको तो सही, मैं समझाता हूँ तुम्हें।
कोई बात नहीं मेरे नन्हे, शायद तू मेरे साथ महफूज हो। अच्छे काम करो और श्राप टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा था, एक नंबर का झूठा पंडित।